खैर तो है? लगता है तुम्हें अभी कोई खुशखबरी मिली है। खुदावंद का शुक्र है, मामला संभाल लिया गया, वरना जानी और माली नुकसान का अंदेशा था। आप बहुत खुशकिस्मत हैं। मेहमान नवाजी का शुक्रिया, शुक्रगुजार हूं आपकी। आपसे मिलकर खुशी हुई। अगर आप इजाजत दें तो जहरा खातून और आपसे आपके कबीले में मुलाकात करना चाहूंगी। जरूर, दोस्तों के लिए हमारे दर हमेशा खुले रहते हैं। कौन है ये जो अभी अंदर आए हैं? मैं नहीं जानती सरजान खातून। प्यारी बेटी, तुम कहां से आई हो? हैं कौन आप लोग और कहां का इरादा है? हमें आई अफरान के साथ ही कहा जाता है, हजरत फातिमा के मानने वालों में से हैं। ये नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग कौन है बेटा? मेरे वालिद शेख अदबाली हैं। मुझे उनसे दुआ लेनी है, इनकार तो नहीं कर देंगे? मेरे वालिद दुआ लेना और देना पसंद करते हैं, बल्कि वो खुश होंगे। हाय माशाल्लाह, तुम भी बहुत प्यारी हो बेटी, मुझे उन बुजुर्ग के पास ले जाओगी? अस्तग़फिरुल्लाह खातून, मैं तो आपकी दुआओं की तलब में आपके हाथ का बोसा लेना चाहती थी। अदब एक फानी इंसान का हाथ या पांव चूमने का मरहूनी मिन्नत नहीं होता। अदब यह है कि आप समझ सकें खालिक के सामने कहां खड़े हैं। हाय माशाल्लाह, आपको यूं ही सब लोग तुर्कों का रहनुमा नहीं कहते। आप कारवां सराय में अपनी बरकत के साथ दाखिल हुए और इसे अपनी हिकमत और अजमत के साथ रोशन किया। इजाजत चाहती हूँ। क्या अपना नाम बता सकती हैं खातून? एक शहीद की माँ और एक शहीद की बीवी, काई कबीले की सलजान खातून। खुशामदीद।
اصل جان خاتون इन तमाम मसाइब में बस एक ये मुसीबत रह गई थी। शुक्र अल्लाह का, मैंने सैलजान खातून को एक दफा फिर अपनी आंखों से देख लिया। आयशा, खुश आमदीद मेरी प्यारी ताई जान। खुश रहो बेटा। खुश आमदीद ताई जान। आई गुल बेटी। खुश आमदीद। खुश रहो बोर्जन। खुश आमदीद सुलजान खातून। क्या हुआ जहरा, तुम्हारा चेहरा क्यों जर्द पड़ गया? हमें बेहद खुशी हुई खातून, शुक्र है कि आप वापस आ गईं। मेरा बहादुर बेटा उस्मान कहाँ है? बताओ मुझे, मैंने सुना है कि तुमने मेरे बेटे उस्मान को पिंजरे में डाल दिया था। सोगोत के दरख्तों ने बोलना शुरू कर दिया है। सुलजान खातून के सामने हर मखलूक बोलना शुरू कर देती है, तुम्हें नहीं पता जहरा? सीधी तरह मुझे बताओ कि उस्मान कहाँ है। दुंदार साहब ने कहा था कि उसकी सजा पिंजरा होगी, लेकिन उसने अपने आप को खुद ही सजा दे दी। अब सिर्फ अल्लाह जानता है कि वो इस वक्त कहाँ है। तुम्हें पता है जब वो छोटा था तो किसी के काबू नहीं आता था, मगर इस वक्त वो जो भी कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। आइगुल, गला खुश्क हो रहा है, मेरे लिए कुछ पीने को ले आओ। जी अभी लाती हूँ मैं। आइए। तशरीफ रखिए सुलजान खातून। तुमने अर्तुरुल साहब के खेमे के साए में अपना खेमा बना लिया। शायद तुम्हें पता नहीं कि उनके खेमे के साए में कोई पनपता नहीं। अगरचे ये खेमा दुंदार साहब के लायक नहीं, मगर फिर भी हम इसमें रह रहे हैं। अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे प्यारों को लंबी जिंदगी दे इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। अंधेरी सर्दियां करीब हैं, लोग इस मौसम में हिजरत नहीं करते। सब खैरियत तो है सुलजान खातून? खैरियत और शर तो अल्लाह जानता है जहरा। क्या बात है, तुम्हें लगता है हम तुम्हें परेशान करेंगे? अस्तग़फ़िरुल्लाह, हकीकत तो ये है मुझे आपकी फिक्र थी, कोई मसला तो नहीं होगा इंशाअल्लाह। मैं थक गई हूँ जहरा, मेरा कबीला भी थक गया है। गुंदोदू के गुजरने के बाद मैं वहां नहीं रह सकती जहरा, इसलिए पहले मैं आई हूँ, और इसके बाद मेरा कबीला भी जल्द ही रवाना हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।
अपने बाबा का शेर बेटा, काई का मुस्तकबिल मेरा उस्मान। उस्मान, तुम मुझसे नजरें क्यों नहीं मिला रहे? मुझे बताओ तुम्हें आखिर क्या परेशानी है? खैरियत और सलामती से अब कबीले को लौट आए, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तशरीफ रखिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी, देखना काई कबीले एक हो जाएंगे। जरूर हो जाएंगे, जरूर औस कबाइल मुत्तहिद हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे इंशाल्लाह मेरे शेर, इंशाल्लाह। सुना था कि अब कारवां सराय गई थी। हाँ, गई थी मैं। खैरियत है? उस्मान, कहां से मिला तुम्हें ये खंजर? कारवां सराय में कोई ऐसा जो आपके पास आया हो। सोफिया, कुलुजा हिसार की शहजादी मेरे पास आई थी। सोफिया, सोफिया, लेकिन सोफिया का इस खंजर से क्या ताल्लुक है बोलो? ताल्लुक है क्योंकि किसी ने आपकी जिंदगी के बदले में किसी और की जान बख्शी करवाई। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या सोफिया? यानिस। ये यानिस कौन है? शाम में मुलाकात होगी। उस्मान, जब मैं कारवां सराय में थी तो वहां शेख अदाबाली से मुलाकात हुई थी मेरी। ये क्या कह रहे हैं? तुम्हारी आंखें कैसे चमक उठी हैं? क्या बात है? आपने बहुत अहम खबर दी है। उनकी बेटी थी, उनकी बेटी उनके साथ थी। बाला खातून की बात कर रहे हो? जी हाँ। हाँ बिल्कुल, मैं उससे भी मिली हूँ। तुम कहाँ चले इस वक्त? कारवां सराय जाना होगा मुझे अभी इसी वक्त। आकर मिलता हूं, मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी है। अर्तुरुल साहब, जब तुम्हारी मरहूम मां को कबीले लाए थे, मुझे आज भी वो दिन याद है। उन्होंने बहुत सी मुश्किलें देखी। तुम्हारी मरहूम माँ और तुम्हारे बाबा ने कबीले आने के बाद बहुत से मसाइल का सामना किया। अल्लाह हलीमा को जन्नत नसीब करे। उसने हर चीज को बर्दाश्त किया, मुझ जैसी को भी। तुम अपने बाबा के रास्ते पे चलोगे, मुझे यकीन था। मैं बिल्कुल ठीक थी उस्मान बेटा। यानिस जैसे शैतान और उसके चेलों से तुम निबट लोगे अल्लाह के हुक्म से। आप भरोसा रखिए मुझ पर ताईजान, हुक्म इलाही से उस शैतान को शिकस्त देकर रहूंगा। जानती हूं मैं। बताओ मुझे, ताईजान से क्या चाहते हो? बाला खातून को बहुत चाहता हूं ताईजान। तुम्हारी नजरों से साफ साफ जाहिर हो रहा है
जब भी उसका नाम आता है तुम्हारी आंखें चमक उठती हैं। बोलो, बताओ मुझे, तुम्हारी क्या मुराद है? मैं चाहता हूं कि आप अदाबाली के पास जाएं। मेरे उस्मान, अल्लाह के हुक्म से बाला खातून का हाथ अब मेरे लिए मांग ले। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिसने मुझे ये दिन देखना नसीब किया। जब तुम्हारे बाबा हैं तो बेटा मुझे क्यों भेज रहे हो? बाबा तो मालूम नहीं कब लौटेंगे, मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी आ भी पाएंगे। और इससे ज्यादा सब्र नहीं हो सकता। जब बाबा आएंगे तो शादी हो जाएगी और अदाबाली को शायद खुद से नाराज कर दिया मैंने। मैंने कुछ चीजें ऐसी की हैं जो उन्हें ठीक नहीं लगी, मुझे खबरदार किया था उन्होंने, लेकिन मुझे एहसास देर बाद हुआ। ये बताओ, तुम्हारे चचा के होते हुए क्या मुझे बाला खातून का हाथ मांगना चाहिए? मेरे चचा मेरे बाबा की जगह ही है, लेकिन आप मेरी माँ हैं। कुर्बान जाओ मैं तुम पे। किसी और की जरूरत क्या जब मेरी माँ हयात है? तुम फिक्र ना करो, मैं कल ही उस अल्लाह की वली अदाबाली की तरफ जाऊंगी। बहुत शुक्रिया आपका। एक मसला और है वैसे। क्या मसला है? आइगुल, क्या बात है सुलजान खातून, कोई जरूरी बात करनी है? मैं आइगुल के बारे में बात करने आई हूँ। बात मुख्तसर है, जरा गौर से सुनना। मगर आप मुख्तसर बात नहीं करती। सोच है तुम्हारी। क्या हुआ है उसे? मैं जानती हूँ कि आइगुल उस्मान से प्यार करती है। आपको कैसे पता चला? मैं ये तुम्हारी आंखों में देख रही हूँ, तो ये दुरुस्त है। मेरी आंखों में ऐसा क्या देख लिया? ये बताएं कहना क्या चाहती हैं? उस्मान किसी और खातून से प्यार करता है जहरा। उस्मान अदाबाली की बेटी से प्यार करता है, मैं और मेरी बेटी जानते हैं। मुझे और मेरी बेटी को इस बात की कोई परवाह नहीं। अगर ये बात है तो फिर आइगुल ने बाला खातून को क्यों धमकाया? उसने उसे कहा तुम्हारी वजह से हमारा कबीला मुसीबत से दोचार हो गया है। मेरी बेटी ने ठीक कहा, लेकिन उस्मान को पसंद करने की वजह से नहीं, क्योंकि वो जानती है कि उसके बाबा और वो खातून दोनों कबीले के लिए मसाइल पैदा करेंगे। इसके अलावा आइगुल आलीशार साहब को पसंद करती है। अल्लाह के फजल से आलीशार साहब ने दुंदार साहब से मेरी बेटी का हाथ मांगा है, और अब ये बात यहीं खत्म हुई। सुन के खुशी हुई, अल्लाह उन्हें खुशियां अता करे इंशाल्लाह। आमीन। इस कबीले में मुझे बहुत से काम करने हैं जहरा, अपने काम में खुद करने की आदी हूँ। इतने साल गुजरने के बाद काई कबीला बहुत बदल गया है आयबो के। ये बूढ़ा भी हो गया है और काफी बड़ा भी, और साथ ही मसाइल भी बड़े हो गए हैं। और हम सब इन तमाम मसाइल के दरमियान घिर गए हैं। एक पेचीदा जमाने में आ गए हैं हम।
तुम्हें क्या मसला लग रहा है? जहरा खातून, वो हमारे यहाँ आने पे खुश नहीं है। वो क्यों खुश होगी? उसने चचा को भतीजे का, भाई को भाई का दुश्मन बना दिया है। उन्होंने मेरे उस्मान को तन्हा कर दिया है। वो जानती है वो मेरे बेटे की तरह है। अब वो मेरे यहाँ आने पे परेशान है। जहरा खातून ने आपके साथ दुश्मनी पाल रखी है, कहीं वो आपके साथ कुछ कर ना दें। जहरा खातून की पहुंच सिर्फ दुंदार साहब तक ही है। मुझे 3 दौर, 3 हुकूमतें और 3 बड़ी हिजरतों का तजुर्बा हासिल है। ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए। उसके अहकामात सिर्फ कमजोरों पर ही चल सकते हैं। वो मुझ जैसी का क्या बिगाड़ेगी।